We'll talk about differentiation. So what is differentiation? Differentiation is actually the process of finding derivative of a given function. So derivative find out karne ka jo process hai, usse hum differentiation kehte hain. Matlab hum derivative find out kar rahe hain, to us function ko hum differentiate kar rahe hain. Ab derivative ki kya definition hai? To geometrical definition ki baat kare, to derivative of a function at a point on the graph represented by that function is the slope of the tangent drawn at that point. Agar koi bhi ek function hai, to uska hum graph draw kar sakte hain. Humne class 11th mein functions ke graph draw karna sikha hai. To agar function hai, to uska ek graph banega. Suppose this is the graph of that function. To humne ek graph draw kar liya. To ye graph ek curve banega ya koi straight line banegi, anything it may be. तो अगर ये कर्व है तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि हर कर्व को एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है. तो ये जो आपकी टेंजेंट है, इस टेंजेंट का ये एक लाइन है, तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा. तो इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है, दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव. ये आपको क्लास 11th में बताया गया था कि f dash x मतलब द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x इज गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू 0. तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने 11th क्लास में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा. यहां हम फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव, उसके बजाय जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले डेरिवेटिव के सीखे थे उनसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव बताऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. तो कांस्टेंट आपका ए है यहाँ पर, तो ए का डेरिवेटिव होगा जीरो. एक्स के अलावा अगर कोई भी अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, जनरली एक्स और वाई को वेरिएबल माना जाता है, तो एक्स और वाई के अलावा अनटिल अनलेस स्टेटेड इन द क्वेश्चन देर इज़ अ वेरिएबल, देर इज़ अ अल्फ़ाबेट, तो उसका जो डेरिवेटिव है हम जीरो लेंगे. जैसे ए यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमने ज़ीरो लिया. फिर हम आ जाते हैं एक्स की पावर एन पर. एक्स की पावर एन का जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन. अब इस फॉर्मूले के कुछ यूजेज हैं, जैसे सपोज x का ही डेरिवेटिव निकालना है तो x की पावर वन का डेरिवेटिव यह फॉर्मूला यूज करके 1 आ जाता है. तो बहुत बार यूज होगा, इसलिए आप इसको याद ही रख लें कि x का डेरिवेटिव 1 होता है. रूट x का डेरिवेटिव इसी तरह से इसको यूज करके आता है 1/2 रूट x, और 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x². फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, ये भी आपको क्लास 11th में बताए गए थे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंड एक्स का माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स. जो डी बाई डी एक्स है इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स. तो ये आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव आप यूज़ करेंगे. उसके अलावा आपको प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल पता होना चाहिए. प्रोडक्ट रूल, अगर u और v कोई x के फंक्शन हैं, u इज सम फंक्शन ऑफ x एंड v इज सम फंक्शन ऑफ x, देन द प्रोडक्ट रूल फॉर फाइंडिंग आउट देयर डेरिवेटिव इज सेकेंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. कोशेंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v. U or V again are the functions of X. So this is second function, the denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator and divide by the square of the denominator. अब हम बात करते हैं chain rule के बारे में. Chain rule में जो Y है वो directly X के function की form में नहीं दिया रहता. Y suppose इट इज़ सम फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल u, और हमें dy by dx निकालना है. तो dy by dx विल बी dy by du into du by dx. आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमने du से मल्टीप्लाई डिवाइड किया
एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ चेन रूल कि अगर आपको y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले y को आपको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में वो फंक्शन गिवन है, और फिर उस वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए. तो dy by du into du by dx. Let us try to make it clear with an example. Suppose हमें fx दिया हुआ है sin of 2x plus 3 का होल स्क्वायर. अब अगर ये sin x होता तो sin x का तो डेरिवेटिव हमें मालूम है, लेकिन sin of x नहीं दिया हुआ है, sin of 2x plus 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है. तो इसको sin x बनाने के लिए, sin x की फॉर्म में लाने के लिए मैंने ज्यूम कर लिया लेट 2x plus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू. तो ये फंक्शन बन गया f of u is sin u. हमें f dash x निकालना है तो पहले हमें sin u को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि f dash u निकालना पड़ेगा. f u अगर फंक्शन है तो f dash u उसका डेरिवेटिव होता है, तो हमें sin u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. तो sin u का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव हमें मालूम है cos x होता है, तो sin u का cos u. फिर u का डेरिवेटिव करना है तो ये u यहाँ पे रखा. अब इसका भी डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट मालूम नहीं है, हमें इसको x मानना पड़ेगा, तो x की पावर 2, x की पावर n का फॉर्मूला से इसका डेरिवेटिव होगा. तो हमने इसको x की पावर n के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट किया, n x की पावर n माइनस 1, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1, 1. अब हमने इसको x माना था तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3. तो ये टर्म्स तो एज सच आ गई, इसका डेरिवेटिव करना है तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव मैंने बताया 1 होता है, और 3 अगर कॉन्स्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0. कुछ स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 कह रहे थे, तो ये 2 भी तो कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, x का 1 तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 हो जाना चाहिए. तो कॉन्स्टेंट अगर अकेला है प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है या x के अपॉन में दिया हुआ है तो इट विल रिमेन एज सच, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा. जैसे 2 के साथ x मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 का डेरिवेटिव हम 0 नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव करेंगे, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 0. तो ये टर्म 2 हो गई, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2, 2 टू ज़ा 4, और ये 2x प्लस 3 मैंने पहले रखा, और cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. देखिए मुझे साइन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो मैंने मान लिया मन में ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर x है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब जो मैंने x माना है उसके डेरिवेटिव से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लिखा d by dx of 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो अब इस स्टेप में मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये x की पावर n की फॉर्म में है तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, तो 2x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 1 रहेगी. लेकिन ये भी x नहीं है, हमने 2x प्लस 3 को x माना है यहाँ पर, तो हमें इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3. अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स, एक्स की पावर 1, तो x की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पर हमें x को कुछ मानना नहीं पड़ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं. और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये बना 2 और ये 2, 2 टू ज़ा 4, ये टर्म मैंने यहाँ लिखी और ये लास्ट में, तो ये आपका डेरिवेटिव. तो आप बिना अज्यूम किए यू भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि किसको आप यू मानेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, किसको एक्स मानेंगे.